आजकल एप्पल वॉच अल्ट्रा सीरीज की स्मार्ट वॉच के लुक एंड फील वाली यहाँ पे बिल्कुल कम बजट में ब्रांड्स बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं। लगे आज यहाँ पे बोल्ट ब्रांड ने भी अपनी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है सेम लुक एंड फील की, दैट इज बोल्ट क्राउन स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच कैसी है, आइए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे बोल्ट क्राउन स्मार्ट वॉच को। इसका प्राइसिंग है जस्ट 1500 रुपए के आसपास, और जो एप्पल वॉच अल्ट्रा सीरीज की स्मार्ट वॉच है वैसे आपको लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। इसमें आपको क्राउन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, बड़ा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। बाकी इसका आउटपुट कैसा है, सेंसर्स कितने सही तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, बिल्ड कैसी है, सब हम करेंगे टेस्टिंग। बाकी 1500 रुपए के आसपास अगर आप ऐसे लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं, एंटर पॉस्ट से आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोल्ट क्राउन स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको यहाँ पे कॉम्पैक्ट सा बॉक्स मिलने वाला है, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बढ़िया इनिशिएटिव। बैक साइड में कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम सब डिटेलिंग में आगे चेक करेंगे, इसको करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड, टोटल यहाँ पे आपको 15 महीने की वारंटी मिलने वाली, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली है वॉच के बारे में, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको अच्छी लेंथ की आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग, ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है। और अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 23mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं। मैंने इसको यहाँ पे स्केल से नाप के भी देखा, 22 नहीं है, यहाँ पे आपको 23mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं। सेम जो लुक एंड फील आपको एप्पल वॉच की सीरीज के स्मार्ट वॉच के आपको स्ट्रैप्स मिल जाएंगे लुक एंड फील के, इसको आप ऐसे डिटैच भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से नए स्ट्रैप्स लगा सकते हैं। और वॉच के बैक साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स मिलने वाला है, बिल्ट इन आपको स्पीकर मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिलेगा, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे। साइड में आपको एक बटन मिलने वाला है, एक क्राउन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी, और पूरी यहाँ पे आपको जिंक एलॉय की आपको टफ बॉडी मिलने वाली है, टफनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। मेनली आपको यहाँ पे एप्पल वॉच की जो सीरीज है अल्ट्रा सीरीज, उसके लुक एंड फील का आपको स्मार्ट वॉच चाहिए कम बजट में, इसको आप उस पर्पज के लिए चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको 1.95 इंच का इसमें आपको बड़ा HD डिस्प्ले मिलने वाला है 900 nits की ब्राइटनेस के साथ। व्यूइंग एंगल्स काफी आपको यहाँ पे इंप्रेसिव मिल जाएगी, इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और UI के स्मूथनेस की बात करेंगे, UI आपको यहाँ पे बढ़िया मिलने वाला है, आराम से स्मूथ तरीके से UI को यूज कर पाएंगे, आपको ऐसे लैग फील नहीं होने वाला है। और जो दो बटन साइड में दिए गए, जो ऊपर वाला बटन है ये क्राउन की फंक्शनलिटी है, इसको आप ऐसे रोटेट करके जो वॉच फेसेस हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, सही तरीके से वर्क करता है। और आप आवाज भी सुन लीजिए क्राउन की आपको कैसे मिलने वाली है, ऐसी आपको आवाज मिल जाएगी। और जो नीचे वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप फिटनेस फ्री एक्टिविटीज आप चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिएगा अलग अलग कैटेगरीज में। और अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहन लिया था और मैं घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली 42 स्टेप चल के आया था, और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये रीडिंग नहीं दिखा रहा, 0 स्टेप्स ही दिखा रहा था, तो ये मुझे इशू लगा। मैंने इसको रीसेट करके भी देखा, रीस्टार्ट करके भी देखा, मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने पॉसिबिलिटीज अपना ली, लेकिन ये ना स्टेप काउंटिंग मेरे को पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा था, थोड़ी देर बाद शो किया उससे थोड़ी देर बाद, लेकिन ये मेरे को हल्का फुल्का इशू फेस हो मैंने आपको शेयर कर दिया। और इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डो नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस को यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, ब्राइटनेस मैंने आउटडोर कंडीशन में फुल कर दी है, और यहाँ पे आपको डिसेंट ब्राइटनेस मिलने वाली है, नहीं खराब बोल सकते, नहीं बहुत ज्यादा अच्छी बोल सकते हैं, आप मैनेजेबल तरीके से सनलाइट में आपको डिसेंट ब्राइटनेस मिलने वाली है। मेरे हिसाब से हल्का फुल्का ब्राइटनेस पार्ट को लेकर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। रेस टू वेक फीचर उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका रेस टू वेक फीचर डिसेंट तरीके से वर्क करता है, जब आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे टाइम तो आपको दिख जाएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ बोल सकते हैं हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिले लग सकता है, प्रॉम्प्ट आपको डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको डिसेंट तरीके से इसका रेस टू वेक फीचर वर्क करता है। फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टैप टैप करके यूटिलाइज कर पाएंगे। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो मल्टीपल सेटिंग्स मिलने वाली है, डिस्प्ले में आप जाएंगे तो ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम मिनिमम 5 सेकंड्स दिया गया है, मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही में आपको कुछ बिल्ट इन वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल मेन्यू व्यू मिल जाएंगे, आपको मेन्यू व्यू कैसा चाहिए, यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइनिंग दी गई है मेन्यू व्यू को लेके, जो आपको प्रेफरेबल है यहाँ से आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप वाइब्रेट एंड रिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोड्स कैसे चाहिए, मतलब वाइब्रेशन मोड चाहिए, वाइब्रेशन एंड रिंग का ऑप्शन चाहिए, म्यूट करना है स्मार्ट वॉच को यहाँ से आप कर पाएंगे, इंटेंसिटी आपको किसी चीज स्ट्रॉन्ग चाहिए कि सॉफ्ट चाहिए वाइब्रेशन की यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑडियो ब्लूटूथ का ऑप्शन है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब जो स्पीकर दिया गया है उसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फोन के थ्रू म्यूजिक प्ले होगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है।
साथ ही में डोनट डिस्टर्ब मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लो पावर मोड, बैटरी सेविंग का ऑप्शन दिया गया है, फोन कॉलिंग फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग्स में आपको मिलने वाला है रीबूट पावर ऑफ रीसेट का ऑप्शन, और स्मार्ट वॉच की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट में वर्जन, और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है कैसे वर्क करता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपको चीज़ें मिलने वाली है इसके सेटिंग्स पार्ट में, और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशन पार्ट को लेकर, ऐसा आपको डिस्प्ले मिल जाएगा प्रॉपर, स्क्रॉल करके आप फुल मैसेज रीड कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा एक्टिविटी डेटा का, आप यहाँ पे स्टेप काउंटिंग चेकआउट कर सकते हैं, फोन कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेंट डायल पैड आपको मिलने वाला है प्रॉपर, यहाँ पे आपको कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को, एक आप ले लीजिए आउटर कंडीशन का ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट। हेलो, हाँ दीक्षा क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बेबी आने वाली है स्कूल से, उसका वेट कर रही हूँ। ओके ओके, यार यहाँ पे मेरे पास ना अभी बोल्ट ब्रांड की तरफ से बोल्ट क्राउन स्मार्ट वॉच यहाँ पे लॉन्च हुई है, तो इसका मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, अभी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो अपने ऑफिस के वही टेरिस पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ आराम से, तो मेरी आवाज से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो कैसी आ रही स्मार्ट वॉच के थ्रू? आवाज तो मस्त आ रही है, बिंदास आ रही है। अच्छा, ऐसा कोई क्लैरिटी को लेके या फिर लाउडनेस को लेके कोई दिक्कत आ रही है? ऐसा, चलो ठीक है दीक्षा, थैंक यू, बाय। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं आपको फोन से बात करनी है कि स्मार्ट वॉच से बात करनी है, इसको आप स्विच कर सकते हैं और कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं आप। जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है सही तरीके से वर्क करता है, माइक्रोफोन सही तरीके से वर्क करता है, सामने वाला आपको सही तरीके से सुन पाएगा, फोकस लिया अगर आप ऐसे करके बातें करेंगे, लेकिन स्पीकर की लाउडनेस यहाँ पे मेरे को डिसेंट लगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाउडनेस नहीं लगी, अगर आप पास में ऐसे रख के बातचीत करते हैं इंडोर कंडीशन में मेनली अगर घर के अंदर बातें करेंगे तो आपको डिसेंट लाउडनेस मिलने वाली है, तो यहाँ पे स्पीकर की लाउडनेस मेरे को डिसेंट लगी, बाकी माइक्रोफोन सही तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट का ऑप्शन, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रॉपर डिस्प्ले के साथ, यहाँ से आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट्स दिए गए जो आपको शॉर्टकट्स चाहिए यहाँ पे इनको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे शॉर्टकट मिलने वाले हैं मल्टीपल, और यहाँ पर आप जाएंगे तो जितनी भी आपके एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे, एक्टिविटी डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, बोल्ट हेल्थ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन मिलने वाला है, और सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर आप देख सकते हैं क्लोज, आपको काफी क्लोज रीडिंग दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच में, थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है इसके ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके, और यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का आपको ऐसा डिस्प्ले मिल जाएगा, नॉर्मल कितनी रीडिंग रहती है, आपकी कितनी रीडिंग आई है चेकआउट कर सकते हैं, कैजुअल पर्पज के लिए इसको आप बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा, कैजुअल पर्पज के लिए आप स्मार्ट वॉच को कभी कभी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एक्यूरेसी पार्ट। और यहाँ पर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स डेटा चेकआउट कर सकते हैं, फोन कॉलिंग का ऑप्शन, मैसेजेस का ऑप्शन, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, जैसे आप कनेक्शन चैलेंज करेंगे यहाँ से आप स्मार्ट वॉच के थ्रू प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स को ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, और जो लाउडनेस है वॉल्यूम को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू, और जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया जैसे कि मैंने आपको बताया ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, इसका भी आप एक साउंड टेस्ट देख लीजिए लगे हाथ। कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, ई कार्ड्स का ऑप्शन मिलने वाला है, अगर आपको यहाँ पे स्टोर करने हैं कुछ क्यूआर कोड्स एप्लीकेशन पार्ट्स आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप स्मार्ट वॉच को ही दिखा के पेमेंट एक्सेप्ट कर लें, ये भी एक अच्छा फीचर है। क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे, वेदर इन्फॉर्मेशन इसमें आपको बिल्ट इन कैलकुलेटर मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसको भी इमरजेंसी के टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं, गेम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, चार यहाँ पे आपको बिल्ट इन गेम्स मिलने वाले हैं, इसको भी आप टाइम पास के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाएगा, जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे स्मार्ट वॉच में अगर आप टैप करते हैं जो भी आपका फोन का वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर पाएंगे। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलने वाला है, सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो ये सब आपको चीजें मिल जाएंगी स्मार्ट वॉच में, और इसमें आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंट फीचर दिया गया है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, डस्ट प्रूफ भी है, कुछ यहाँ पे डस्ट लग जाती है, आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं स्वेट आता है, ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको बोल्ट फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे फ्रंट पेज में जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हुई है स्टेप काउंटिंग को लेकर सेंसर्स पार्ट को लेकर यहाँ पे आप ट्रैकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा स्मार्ट वॉच की, और यहाँ पर आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, फेस गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड बेस्ड यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के वॉच फेसेस मिल जाएंगे 100+, बहुत सारे आपको यहाँ पे वॉच फेसेस मिलने वाले, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं।
एडिट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, आपको कैसा प्रीसेट चाहिए। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एआई वॉच फेसेस भी, अगर आप यहाँ पे किसी का पिक्चर लेते हैं तो एआई बेस्ड यहाँ पे आपको वॉच फेसेस क्रिएट कर देगा, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। या फिर आपको टाइम पोजिशन कैसा चाहिए, टेक्स्ट पोजिशन कैसा चाहिए, कलर कैसा चाहिए, आपको फोन में स्टोर पिक्चर आपको वॉच फेस के लिए लगाना है अपना फोटो, वो भी आप कर पाएंगे, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेस को लेकर। नोटिफिकेशन में आप जाएंगे, आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते जो आपके स्मार्टफोन में है। अलार्म सेट कर सकते हैं, कैमरा शटर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है। स्मार्ट वॉच में शटर दिया गया, उसको अगर आप टैप करेंगे एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। ई कार्ड्स का ऑप्शन मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं क्यूआर कोड्स, ताकि अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है स्मार्ट वॉच दिखा के क्यूआर कोड को, ये भी आप कर पाएंगे यहाँ से। फेवरेट कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पे आप 8 डिफरेंट कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं जो भी आपके फेवरेट दोस्त हैं। अदर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फाइंड डिवाइस का ऑप्शन, टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, डो नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर्स टू मूव का ऑप्शन, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, फोन म्यूजिक कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सेविंग का ऑप्शन। लैंग्वेज में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलने वाली, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफरेबल है, और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली है। स्क्रीन ऑटो लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विक व्यू, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, वेदर इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल रिमाइंडर को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। टाइमली अपडेट्स आते रहे जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको गूगल फिट का ऑप्शन मिलने वाला है। फीचर्स काफी यहाँ पे सही दिए गए हैं, एप्लीकेशन पार्ट को यूटिलाइज करके आप सारे के सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के। बैटरी बैकअप की बात करेंगे, इसका यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा रखते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करेंगे, लगभग आपको 2 दिन के आसपास बैटरी लाइफ मिलने वाली। नॉर्मल यूसेज करेंगे, एडिकेट यूसेज 5 to 6 डेज के आसपास आप बोल सकते हैं बैटरी लाइफ मिलने वाली है। तो मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिया है। 1500 रुपए के आसपास अगर आपको ऐसी लोकेलिटी की स्मार्ट वॉच चाहिए, इसमें फीचर्स तो भर के दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कहाँ कहाँ मुझे ड्रॉबैक्स लगे, प्रोज एंड कॉन्स सब बता दिए। अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं। पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च बोल्ट क्राउन ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।